अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कि आपकी ट्रेन पकड़ने में देरी हो जाए या फिर आपकी ट्रेन भी छूट जाए। लेकिन अगर आप मंत्री हों तो फिर आपका रुआब भी कुछ अलग होगा, और रुआब ऐसा कि ट्रेन पकड़ने के लिए पैदल ना चलना पड़े और आपकी गाड़ी सीधा एक्सकेलेटर के पास ही रोकी जाए। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह को बुधवार को हावड़ा अमृतसर पंजाब मेल से लखनऊ से बरेली जाना था। पंजाब मेल चारबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आती है। ऐसे में मंत्री धर्मपाल सिंह को मेन गेट पर आकर ज्यादा पैदल ना चलना पड़े, इसके लिए उनकी कार को रेलवे न्यायालय के सामने दिव्यांगों के लिए बने रैंप पर चढ़ाते हुए सीधे प्लेटफॉर्म नंबर 1 से सटे एक्सकेलेटर तक जाकर रोका गया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई और भीड़ में मौजूद किसी शख्स ने इस घटना का वीडियो बना लिया। मंत्री जी की कार को उनके रवाना होने के बाद तक रोके रखा गया। नियम के तहत केवल पैदल यात्री ही रैंप होते हुए एक्सकेलेटर तक जा सकते हैं। मंत्री की अगवानी के लिए जीआरपी ने नियमों को तोड़ दिया। अब यहां सवाल यह उठता है कि अगर यहां मंत्री धर्मपाल सिंह की जगह कोई आम आदमी होता तो क्या उसे भी इतनी ही आसानी से जाने दिया जाता। अगर नहीं तो फिर मंत्री जी पर कोई कार्रवाई या जुर्माना क्यों नहीं लगाया गया।